here zero means we are having the value of the polynomial px at x equal to 0. P of 1 means we are finding the value of the polynomial at x is equal to 1. That means this question is exactly same as the first question in which it is written to find the value of. The question is find the value of, here is find P of 0, P of 1, P of 2. So that means both are same. Clear? So in this question, that is P of 0 means you are finding the value of the polynomial at x equal to 0. Then x is equal to 1. Then x is equal to 2. Clear? Second question, second part. Lines slowly from your next exercise करना examples करना जिसकी second exercise finish हो गई है they can start the example of the same exercise. Thank you.
Value जो दी दे रखी है ना x की, you will put that value in the polynomial. If you will get the answer as zero, that means that value of x is the zero of the polynomial. If you are not getting zero as answer, that means that value of x is not the zero of the polynomial. कोई doubt है मुझसे पूछो. First three exercise for me and this with example. Investor. क्या प्रॉब्लम है? सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करना. टू क्यूब है, टू क्यूब की वैल्यू एट आएगा, हमने 18 लिखा, टू क्यूब एट आएगा, करेक्ट कर दो उसको. हैवी Yeah.
क्या कह रहे फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसे पुट कर दो सीधा माइनस वन पुट कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, जो आंसर आएगा दोनों का मल्टीप्लाई। करो करो हाँ जी हुई वो डिवाइड भी करवा दूंगी, करवाई लिया कर लेंगे, दोनों ही करेंगे एग्जाम्पल में, एक डिवाइड भी है ना इसमें। इसका आंसर 1200 समथिंग है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। रेडियस 12 है, मल्टीप्लिकेशन चेक करो, एक बार मल्टीप्लाई चेक करो, इसलिए प्रॉब्लम है। फर्स्ट बेंच इधर से होता है, उधर पहुंच के सबसे आगे।
ठीक है, ठीक है, ऐसे प्रॉपर वे में लिखना है. माइनस वन बाई थ्री इज द जीरो ऑफ द थ्री एक्स प्लस वन या पॉलिनोमियल, या पी एच भी लिख सकते हैं बाद में. ये बॉयज चुप करो, जसप्रीत आ जाओ, सेकेंड पार्ट करो आप. हाँ करते जाओ, थर्ड एक्सरसाइज कर लो. जरूरी है दोनों एक हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, दोनों का दोनों ही ना हो, ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर. रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं. डिवाइड थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है, रिमाइंडर थ्योरम इजी है. नहीं लिखा ये नहीं कहा कि डिवाइड करो, पुट कर दो एक्स इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस वन इक्वल प्रॉपर वे में डालो. अब आपसे पूछा है कि 4 by 5 इसकी 0 है का नहीं, लिखो आंसर. ये लिखो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 4 by 5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल. आपके जो टेस्ट हुए थे ना अभी अभी जो टेस्ट हुआ था लेटेस्ट, जो मैंने कल दिया आपको चेक करके, कल आप अपने पेरेंट्स के उस पर साइन करवा के लाओगे, फादर एंड मदर बोथ, और कल वो टेस्ट मैं क्लास में सबका देखूंगी, कल वो टेस्ट आ जाए सबका. मुझे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबने लेके आना है वो टेस्ट, साइन करवा के ऐसे में लिखते होते नॉट इक्वल टू जीरो मतलब. चलो पुष्टि आ जाओ, नेक्स्ट सम करो, रिमाइंडर भी होना था, पुट कर जैसे ये कर रहे हैं बच्चे. इधर देखो 2.3 एक्सरसाइज में, वेट करो, 2.3 एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम है, सेम ही है जो x की वैल्यू आती है ना, यू विल पुट दैट इन द पॉलीनोमियल. इफ यू आर गेटिंग 0, so yes this is the zero of the polynomial, and if you are not getting zero as answer then this is not the zero of the polynomial. बस इतना ही करना है, यही remainder theorem है. जैसे आप find the value करते हो ना, same type का question, कि solution और वो same ही है, but question का way different है. ये difficult है, put करके करो, remainder निकाल लें, put करो जैसे ये किया. चलो करो solve next sum. सम क्यों नहीं कर रहे, आगे करो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3. Yeah.
डिवाइड में खुद करवाऊंगी, आप रिमाइंडर थ्योरम से खुद करने वाले सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से करना, डिवीजन में खुद करवाऊंगी आपको, ठीक है? डिवीजन बाद में करते हैं, ट्राई करोगे आपकी या करवाई हुई है आपको पहले। डिवाइड करना है, डिवाइड ही करेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते। देन यू हैव टू डिवाइड, शो बाय डिवीजन। चलिए आ जाओ थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। इधर प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, अब भी प्लस है, इसका साइन प्लस माइनस, प्लस माइनस बटे माइनस साइन बन गया। अब इसका किस से मल्टीप्लाई करके क्या है, 2x साइन के ये इसलिए
आंसर कौन लिखेगा? जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. चलो कितनी करो नेक्स्ट वो जटिल पूछ रहे हैं. मैंने कुछ कह रहा सारे आपसे ही पूछ रहे हैं. कौन सा पार्ट है? एक्स इक्वल टू जीरो. क्या निकालना है इसका? एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स की वैल्यू जीरो है. कर लो उन्होंने कर ली ना. थ्री ये थ्री की बात कर रहा है. थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एक्स ये उसकी बात कर रहा है. कहता है उसमें एक्स की वैल्यू क्या जीरो. एक्स इक्वल टू जीरो करोगे ना तो जीरो पुट कर दो. कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे है. हाँ जी इधर देखो एक्सरसाइज 2.2 में किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलीनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1. फर्स्ट पार्ट है एक्स एक्स प्लस 1. आपसे कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस. तो आपने डिवाइड नहीं करना. यू विल अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? यहाँ से पहले इसकी जीरो निकालो. हाउ यू विल फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बाय इक्वेटिंग इट इक्वल टू जीरो. द वैल्यू ऑफ एक्स इज -1. यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस पॉलीनोमियल एंड इफ यू विल गेट जीरो देन यू विल से दैट -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल अदरवाइज नो. तब क्या करोगे? जो -1 से पुट करोगे एक्स की जगह -1 पुट करोगे. यहाँ पर भी -1 पुट करोगे. सारी जगह पे जहां जहां एक्स है वहां -1 आए. अब आपने चेक करना है आंसर क्या था. -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 3 × 3 -3 + 3 -3 कैंसिल 0. इसका मतलब -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल.
एंड एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल लिखो, पी एक्स लिखो, बोलो आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड भी ठीक है बट एग्जाम में अगर आता है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू, तो आप इस मेथड से करते हो, डिवाइड अलग से करना है वो भी करना है, वो भी करेंगे सारे सब, नहीं करना है, जहां आए ना फाइंड द रिमाइंडर ये लगाना, और जहां आए फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवीजन मेथड वहां डिवाइड करना, तो दोनों ही मेथड आने चाहिए, वो भी करेंगे अभी, आंसर सेम आएगा, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, नहीं आएगा प्रॉपर वे में लिखो तो सही, माइनस पाई क्यू प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन, अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये इसकी फैक्टर जीरो नहीं है, ठीक है, बस लिख दो एंड में, जिस क्वेश्चन में जो लाइन में जो पूछा वैसे लिख दो, चलो जतिन आ जाओ इसका सेकंड पार्ट, पूरी परमिशन है रिमाइंडर, तो पुट करके आंसर क्या आ रहा था, जीरो, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आंसर आ रहा 27/8, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 27/8, रिमाइंडर जो पूछा है तो जो पुट करके आंसर आ रहा है वही है रिमाइंडर, कॉमन आता ही नहीं है बच्चे, कॉमन कहाँ आ रहा है, करके ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं दूंगी इसको ऐसे ही लगा दूंगी, रिमाइंडर क्या आ रहा है 27/8, तो आप आंसर लिख दोगे एंड में, रिमाइंडर इज 27/8।